जैन परंपरा के आधारभूत सिद्धांत, जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इस विषय पर 10 दिन के व्याख्यानों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रज्ञा जैन है और मैं इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज ISJ संस्था से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं यहाँ से हूँ। और आज जो हमारा पहला सत्र है, इसमें हम आपके बारे में कुछ जानेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे और उसके अगले सत्र से व्याख्यान शुरू करेंगे जो कि 10 दिन तक चलेंगे। आज सैटरडे है, कल संडे है और रोज ये लेक्चर्स चलने वाले हैं 28 तारीख तक के। इसके बारे में एग्जाम्स कैसे होंगे और क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको अभी डायरेक्टर साहब बताएंगे। आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, हमारे संस्था के सभी साथी यहाँ पर हैं। और सबसे पहले मैं मंगलाचरण से शुरुआत करना चाहती हूँ, तो आप लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, एसो पंच नमो प्यारो सवपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवई मंगलम्। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव तार, नमहु त्रियोग संहार के। आज पहला दिन है तो मंगलाचरण आवश्यक है। और आप सभी से निवेदन है कि चूंकि ये हमारा छोटा सा समूह है और हम बहुत कम लोग हैं और हम सब एक पर्टिकुलर विषय पढ़ने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपने हाथ में एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें और जितने भी आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं आप उन्हें लिखते रहें। आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं और कक्षा में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने वीडियोस अगर ऑन रखेंगे तो आप ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर साहब को बुलाती हूँ, वो आप सबका फॉर्मल स्वागत करेंगे। आइए डॉक्टर पांडे। नमस्कार। जय जिनेंद्र। इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आगे की ओर बढ़े उससे पहले थोड़ा जरूरी है कि संस्था के बारे में कुछ आप जाने, कुछ हम आपसे जाने कि आप संस्था के बारे में क्या जानते हैं और आपका क्या परिचय है। तो संक्षेप में मैं पहले इस संस्था के विषय में बता दूं। सन 2005 में इस संस्था की स्थापना दिल्ली से डॉक्टर सुगन चंद जैन और अमेरिका स्थित डॉक्टर सुलेख जैन, इन दो मित्रों ने 2005 में इस संस्था की स्थापना की। संस्था का जो प्राथमिक उद्देश्य स्थापना के समय था वो जैन दर्शन, जैन परंपरा एवं जैन संस्कृति को एक अकादमिक विषय के रूप में विश्व भर के उच्च शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, उनके अकादमिक पाठ्यक्रम में जैन दर्शन, जैन संस्कृति, जैन परंपरा को स्थान मिले, इस पुनीत उद्देश्य के साथ इस संस्था की स्थापना 2005 में हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रथम प्रक्रिया अपनाई गई वह हमने शुरू किया ग्रीष्मकालीन पाठशालाओं का संचालन। 4 सप्ताह के, 6 सप्ताह के ऐसे विविध कार्यक्रम
विशेष रूप से जैन दर्शन के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए आयोजित करना शुरू किया गया, जिसमें विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और संसार के और सारे हिस्सों से विश्वविद्यालय के मुख्यतः अध्यापक, जो पहले से ही आप समझे कि साउथ एशियन स्टडीज वगैरह में जो पहले से संलग्न थे, उन्हें भारत बुलाकर और एक जो प्रायोगिक तरीके से, जो कहा जाता है कि अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल स्टडीज जिसको बोलते हैं, वह अनुभव लेके जाएं, तो इस तरीके से हमने इस संस्था में जैन दर्शन और संस्कृति के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की। 2018 में शीतकालीन पाठ्यक्रम भी 10 दिवसीय आयोजित करने शुरू किए अहमदाबाद। संयोग से COVID-19 का जो संक्रमण काल था, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित थी, तो हमारे अछूता रहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हम भी उस प्रभाव में थे, और जैसे सभी अकादमिक संस्थाओं ने, अन्य जो संस्थाएं थी जो विविध प्रकार के आयोजनों में संलग्न है, सबने ऑनलाइन माध्यम की ओर अपना प्रयास प्रारंभ किया, और हम भी उससे अछूते नहीं थे। हमने भी ऑनलाइन माध्यम को जैन दर्शन और संस्कृति के अध्ययन अध्यापन का माध्यम अपनाया, और जो 10 दिवसीय शीतकालीन जो पाठ्यक्रम था हमारा, उसको हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर शिफ्ट। इस तरीके से जैन दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास संस्था द्वारा किए गए, और यदि आप, उम्मीद करता हूं कि आप सब परिचित होंगे, विशेष रूप से अमेरिका के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन हमारे संस्थान के सौजन्य से सफल आयोजन शुरू किया जा सका। शुरू से एक कमी जो महसूस होती रही जैन दर्शन के अध्ययन अध्यापन को लेके, क्योंकि हमारे प्राथमिक रूप से जो प्रतिभागी थे वो सभी विदेशी थे, और हमारी जो भाषा है, जो जैन दर्शन की भाषा है, प्राकृत या संस्कृत या आप कहें देवनागरी लिपि, इसका ज्ञान नहीं होने से उन्हें अंग्रेजी भाषा के अनूदित संस्करणों से जैन दर्शन सीखना पढ़ना पढ़ाना पड़ता था। तो निश्चित तौर पे पूर्ण ज्ञान, जो अनुभव हम अपनी भाषा में कर सकते हैं, वो दूसरी भाषा से नहीं मिलता। तो ये हुआ कि इन भाषाओं को ठीक से, इन ग्रंथों को ठीक से मूल ग्रंथों तक पहुंच बनाया जा सके, इसके लिए ये जरूरी है कि इस भाषा का ज्ञान सबको हो। भाषा चूंकि प्राथमिक भाषा जैन दर्शन की प्राकृत है, तो हमने प्राकृत की दिशा में भी एक उपक्रम प्रारंभ किया, और भगवान महावीर प्राकृत फेलोशिप के नाम से एक 9 महीने की फेलोशिप प्रारंभ की। चौथा पाठ्यक्रम ये 9 महीने का 1 सितंबर से प्रारंभ होना है, और अब तक नौ नौ प्रतिभागी प्राकृत भाषा का सांगोपांग अध्ययन कर, हेमचंद्र व्याकरण जो है प्राकृत का, वो हमारा आधारभूत ग्रंथ है अध्यापन के लिए, तो उस ग्रंथ के माध्यम से सांगोपांग अध्ययन प्राकृत भाषा का, और कुछ हद तक उस जो टेक्स्ट है उनके द्वारा लिखा गया, हेमचंद्र द्वारा, उसके 8वें अध्याय में प्राकृत है, जैसा आप सभी जानते होंगे, उसका जो चतुर्थ पाद है उसमें अपभ्रंश भाषा भी है, तो जितना संभव हो सकता है प्राकृत और अपभ्रंश इन दोनों ही शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन अध्यापन का कार्य हमने प्रारंभ किया, और चौथा हम 1 सितंबर से करने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रतिभागी, 3 या 4 प्रतिभागी की हमने व्यवस्था रखी है, क्योंकि ये पूर्णतया निःशुल्क है, तो सारी व्यवस्था करनी होती है, तो 4 प्रतिभागी, जिसमें एक अमेरिका से, एक फिलीपींस से, सॉरी, एक ब्राजील से, और 2 प्रतिभागी भारत से हैं, ऐसे कुल 4 प्रतिभागी आ रहे हैं। इसके अलावा 2 बार हम, एक बार 3 महीने का, एक बार 1 महीने का हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी
आयोजित किया। तो प्रारंभ में जैन दर्शन और संस्कृति, और बाद में उसी जैन दर्शन और संस्कृति को और अधिक पुष्ट करने के उद्देश्य से प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन का कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त कुछ शोध परियोजनाएं हमने की हैं और वर्तमान में चल भी रही हैं। वर्तमान में दो महत्वपूर्ण शोध परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है जिस हेमचंद्र व्याकरण की, प्राकृत व्याकरण की मैं बात कर रहा था, उसके अंग्रेजी अनुवाद का। हिंदी अनुवाद कई सारे ग्रंथ हैं, अंग्रेजी अनुवाद भी आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ सूत्रों का। लेकिन जो हेमचंद्र द्वारा खुद उस उन सूत्रों की टीकाएं लिखी गई, उनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होता अंग्रेजी में। तो हमारे संस्था द्वारा उस हेमचंद्र व्याकरण का और उस उनके सूत्रों की जो सोपक्य टीका है हेमचंद्र द्वारा रचित, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा है। और हमें विश्वास है कि अगले 5-6 महीने में ये एक पुस्तक के रूप में प्रकाशनोपरांत हमारे हाथ में होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्राकृत भाषा के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, वह कार्य है पाई शब्द महर्णव, जो प्राकृत कोश है उसका अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं। इसका पहले से हिंदी अनुवाद तो उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद इस ग्रंथ का, इस कोश का उपलब्ध नहीं था। वो भी हमारी संस्था द्वारा अभी विगत 3-4 महीना पहले ही, हमने 4 महीना पहले प्रारंभ किया है, जो अपनी एक बहुत ही अच्छी गति से हमारे संस्थान के विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। प्रकाशन की दिशा में भी हम काफी क्रियाशील हैं, और इस दिशा में हमने कई सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम मैं लेना चाहूंगा। संलेखना से आप सभी लोग परिचित होंगे। संलेखना पे हमारी संस्था ने कई सारी संगोष्ठियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां की, और उनमें से कुछ विशेष जो शोधालेख थे उनका संकलन एक पुस्तक संस्था और टीके प्रिंट वर्क, दिल्ली का जो इंडोलॉजी के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, उसके साथ हमने प्रकाशित किया है। जैन इतिहास की दृष्टि से जैनिज्म बिफोर 650 BCE करके एक पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित है। नियतिवाद पूरे भारतीय परंपरा का अत्यंत ही रुचिकर विषय है, और इस संदर्भ में बहुत सारे संदर्भ आपको श्रवण परंपरा में भी मिलते हैं। तो डिटर्मिनिज्म इन श्रवणिक ट्रेडिशन करके एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे यहाँ से प्रकाशित है। जैन्स इन इंडिया एंड एब्रॉड, जैन सोशियोलॉजी के काफी मुखर विद्वान, प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त आचार्य हैं प्रोफेसर प्रकाश चंद जैन जी, उनके द्वारा एक लिखित यह पुस्तक है जैन्स इन इंडिया एंड एब्रॉड। इसके अलावा जैन पॉपुलेशन पर भी एक पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित है। अभी कुछ महीने पूर्व ही एक पुस्तक का प्रकाशन संस्था द्वारा किया गया, जैन बिजनेस इंगेजमेंट एंड एथिक्स एंड ओवरव्यू। ये शोध परियोजना पिछले 1 साल से चल रही थी। उस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात उसका विधिवत संपादन करके डीके प्रिंट वर्ल्ड के साथ अभी इसी वर्ष हमने एक पुस्तक का, महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया है। इसके अलावा भी कुछ प्रकाशन हमारे पास हैं। तत्वार सूत्र पे की टू रियलिटी, डॉक्टर सुगन चंद जैन जो हमारे संस्थापक हैं और वर्तमान अध्यक्ष हैं इस संस्था के, उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में एक अनुदित यह पुस्तक है की टू रियलिटी। तो लगभग 10 से अधिक पुस्तकें हो चुकी हैं जो संस्था ने कुछ लिखित और कुछ संपादित पुस्तकें प्रकाशित की। अन्य अकादमिक संस्थाओं की तरह
विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां और कार्यशालाएं भी हम आयोजित करते हैं। जैसा मैंने बताया कि संलेखना पे एक संगोष्ठी संस्था द्वारा की गई थी, ऐसे ही एक जैन धर्म दर्शन की प्रासंगिकता पे एक संगोष्ठी हमने किया था। एक संगोष्ठी इस संस्था द्वारा महावीर के निर्वाण की तिथि पर, जो द फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका है, उसके साथ मिलके हमने एक संगोष्ठी की थी। नियतिवाद पर एक संगोष्ठी मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के साथ किया था। तो एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म पे संगोष्ठी की गई। ऐसी बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां इस संस्था द्वारा की गई। एक भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम सभी ICPR के नाम से जानते हैं, उसके साथ हमने एक समय सार, जो आचार्य कुंद द्वारा विरचित अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस पर भी एक कार्यशाला हमने दिल्ली में आयोजित की थी। तो इस प्रकार जो एक अकादमिक संस्था के कार्य क्षेत्र में के जितने विविध आयाम हो सकते हैं, लगभग उन सभी आयामों से हमारा सरोकार है, उसमें हमारी संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त हम एक त्रैमासिक शोध पत्रिका ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं ISJS ट्रांजेक्शंस के नाम से। इसके अतिरिक्त एक पाक्षिक समाचार पत्र, न्यूज लेटर, वो भी ऑनलाइन हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा हम अपनी संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों, इसके अतिरिक्त इस देश से बाहर, विशेष तौर पे उत्तरी अमेरिका में या फिर अन्य जगहों पे जो जैन धर्म दर्शन से संबंधित जो उपक्रम हो रहे हैं, उनका भी ज्ञान हमसे जुड़े हुए लोगों तक उसकी सूचना पहुंचती रहे, तो इसके लिए एक समाचार पत्र जो ऑनलाइन माध्यम से ही निकलता है, पाक्षिक है, महीने में 2 बार निकालते हैं, तो एक उसका भी प्रकाशन इस संस्था द्वारा किया जाता है। हमारे संस्था के अकादमिक विस्तार हेतु हमने देश विदेश की बहुत सारी संस्थाओं के साथ, जिसे आप MOU कहते हैं, हमने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अपने देश में गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और भी कई सारी शोध संस्थाएं हैं जिनके साथ हमारे समझौते हैं। इस देश से बाहर जो जैन दर्शन और प्राकृत भाषा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में से एक हैं, जैसे लोयला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में है, उसके साथ हम विविध कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा भाषा की दृष्टि से घेंट यूनिवर्सिटी से आप सभी परिचित होंगे, जो बेल्जियम में है, घेंट यूनिवर्सिटी के साथ भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के अकादमिक विकास हेतु जो हमारा प्रयास है, उनके साथ मिलके सुचारू रूप से करने के लिए हमने समझौता कर रखा है। इन विविध कार्यक्रमों के साथ साथ यह हमारा प्रथम प्रयास है हिंदी भाषा में कोई कार्यक्रम आयोजित करने का। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ शिक्षक के रूप में भी जुड़े रहेंगे, और चूंकि यह पहला कार्यक्रम है, तो किसी भी प्रथम आयोजन में उस आयोजन के प्रतिभागी उस संपूर्ण आयोजन के सही मायने में शिक्षक होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपसे हमें भी शिक्षा मिलेगी कि इस हिंदी भाषा के कार्यक्रमों में आयोजित करने के लिए हमें नित नए क्या सुधार करने चाहिए, किस तरीके के परिवर्तन करने चाहिए, क्या प्रक्रिया अच्छे अधिगम के लिए, अच्छा ज्ञान हमारे माध्यम से आपको मिले, आपसे हमें मिले, इसका क्या सार्थक प्रयास किया जा सकता है। इस दिशा में सदैव आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। ये तो हमारी संस्था का एक संक्षिप्त परिचय हमने दिया। इसके अलावा जो हमारे संस्था में हमारे सहयोगी हैं,
उनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, हालांकि व्याख्यानों के माध्यम से आप उनसे निश्चित तौर पे आपका साक्षात्कार होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने हमसे जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अशोक सिंह। आप प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा के विस्तृत विद्वान हैं और प्राकृत भाषा का विद्वान होना मतलब जैन ग्रंथों का विद्वान होना स्वतः सिद्ध है। तो आप प्राकृत भाषा के साथ साथ जैन ग्रंथों के मर्मज्ञ विद्वान हैं। पिछले लगभग 40 वर्षों से आप इस भाषा के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में संलग्न हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप पिछले कुछ वर्षों से पूरी तरह से इस संस्था के साथ आप संलग्न हैं और आपके द्वारा ही हेमचंद्र व्याकरण का अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा है। इसके अलावा जो पाई शब्द मंडल, जो प्राकृत शब्दकोश है, उसका अनुवाद भी आपके मार्गदर्शन में चल रहा है। इस जो परिचय सत्र है, इस परिचय सत्र की जो संचालिका है सुश्री प्रज्ञा जैन, आप भी जैन दर्शन एवं प्राकृत भाषा की विदुषी हैं। और यदि मैं ये कहूं कि जिसे आप कहते हैं कि जब से होश संभाला तब से संलग्न रहना, क्योंकि आप जन्मना कर्मणा जैन दर्शन के अध्ययन अध्यापन में संलग्न हैं, तो और पिछले 3 वर्षों से इस संस्था में आप योगदान दे रही हैं, इनके व्याख्यान का लाभ भी आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकेश मेहता जी हमसे जुड़े हुए हैं, आप भी भाषा और दर्शन के विद्वान हैं। प्राथमिक रूप से आप पाली भाषा के विद्वान हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये पाली और बौद्ध अध्ययन में पीएचडी हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा के अध्ययन में काफी वर्षों से लगे हुए हैं। जैन दर्शन और प्राकृत में संभवतः पिछले वर्ष से इन्होंने स्नातकोत्तर में भी अध्ययन अध्ययन चल रहा है इनका। तो पाली भाषा का ज्ञान है, बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान है और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के अध्ययन अध्यापन में संलग्न है। और आप जो हमारी पाई शब्द महर्णव शब्दकोश की जो हमारी परियोजना है, आप उस परियोजना के महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसके अलावा उनसे जुड़ी हुई हैं सुश्री मेघा खड़े जी, आप प्राकृत भाषा की विदुषी हैं। इनका शोध कार्य सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से प्राकृत साहित्य पर ही चल रहा है। ये भी हमारी संस्था से इस जो शब्दकोश की जो महत्वपूर्ण परियोजना है, इस परियोजना में आप जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हम सबसे परिचय से पूर्व जिनसे आप सबसे पहले परिचित हुए होंगे अपने पंजीकरण हेतु, तो आप देख सकते हैं सुशील जना जी हमारे साथ हैं। इस संस्था के प्रथम व्यक्ति यदि मैं कहूं तो यही है। जितने व्यक्ति, जितने विद्वान और जितने लोग इस संस्था से जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। यदि मेरी जानकारी सही हो तो इनको लगभग 11 साल इस संस्था को अपनी सेवाएं देते हुए हो गया। बहुत सारी जगहों पे आईएसजीएस मतलब सुशील जना, सुशील जना मतलब आईएसजीएस, इस तरीके से लोग जानते हैं। तो आप सभी इनसे परिचित हैं, ईमेल का आदान प्रदान और सारी सूचनाएं आपको इनसे मिलती हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का, संस्था की ओर से, स्वयं की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि अगले 10 दिनों की जो हमारा अकादमिक साहचर्य है, आपकी जो अकादमिक यात्रा है, वो सुखद होगी, सफल होगी।
कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको एक सहायक पुस्तिका प्राप्त हुई है उसमें पहले से दिया गया है, लेकिन फिर भी जो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको बता दूं। जैसा आप जानते हैं प्रतिदिन 2 सत्र होंगे। मैंने पहले ही कहा कि यह हमारा प्रथम प्रयास है हिंदी भाषा, तो टाइप वगैरह करना इंग्लिश में काफी आसान है। तो हमने अत्यंत परिश्रम के साथ पावर पॉइंट हिंदी भाषा में तैयार किया है। यह हमारा परिश्रम सार्थक तभी होगा जब आप नियमित रूप से सभी सत्रों में उपस्थित हों, उसका आप भी लाभ लें, और यदि कहीं सुधार की संभावना है तो उस संभावना से हमें परिचित कराएं, ताकि आपके बाद आने वाले जो लोग हों उनको उसका विशेष लाभ मिल सके। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। निसंकोच यदि आपको कहीं लगता हो, अध्यापक का अध्यापक अध्यापक का विद्यार्थी होता है, और हमें ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं। हमारे व्याख्यानों में कहीं कुछ त्रुटियां, कहीं कुछ छूटी हुई चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप हमसे सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे। प्रतिदिन सत्र समाप्त होने के पश्चात आपको एक ईमेल संस्था द्वारा मिलेगा जिसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन प्रश्नों का उत्तर अगले दिन, काफी समय होगा आपके पास, आज मिलेगा, अगले दिन सत्र प्रारंभ होने से पहले उसका उत्तर हमें आपके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको हमारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक स्वागत। प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे। आप हमारे संस्था के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, पर इनका वक्तव्य आपको परिचय अभी भी दिया होगा और आगे भी देगा। अगला लेक्चर उन्हीं का है। चलिए शुरू करते हैं, ये तो थे हम सब। अब बारी है कुछ आपके बारे में जानने की, तो मैं एक एक करके आपके नाम बुलाऊंगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, और आप हमसे जुड़कर जैन दर्शन के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मतलब आप किस उद्देश्य से आप जैन दर्शन सीखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले, जिनका वीडियो ऑन है, मैं मिस्टर प्रतीक से जानना चाहूंगी, वो अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रतीक है, प्रतीक रुमड़े। मैं वस्तुतः मुंबई से हूँ। मुंबई विद्यापीठ में, मुंबई विश्वविद्यालय में मैंने संस्कृत में एमए किया है। उससे पहले जर्मन में एमए किया, और अभी मैं यहाँ जर्मनी में गेटिंगन विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण में पीएचडी कर रहा हूँ, काशिका के ऊपर। और जल्द ही पीएचडी समाप्त करके घर लौटाऊंगा। तो प्राकृत व्याकरण में मेरी ज्यादा रुचि है, प्राकृत व्याकरण, प्राकृत कोश इत्यादि, और साथ ही साथ जैन दर्शन में भी एक सर्वसामान्य तरीके की रुचि है। और इसलिए मैंने अभी अभी इस आपकी संस्था के बारे में मैंने जाना, लगभग एक एक 2 महीने पहले, और सोचा क्यों नहीं इस अवसर का लाभ लिया जाए कि इस कोर्स के द्वारा कुछ मूलभूत प्राथमिक जानकारी पता चले। धन्यवाद। आपका स्वागत है प्रतीक जी। आशा है आपको और हमको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला मैं मिस पाली मलिक को बुलाना चाहती हूँ। मिस पाली मलिक, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्ते, मेरे नाम पाली मल्लिक, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पाली एंड बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा मेन एरिया है डॉक्टर बी एम बोरुआ, डॉक्टर बिनी माधव गुरु, उनका जो काम है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में, ये सब के ऊपर ही है। और मुझे थोड़ा अभी महावीर का जो फिलोसॉफी है एंड उनका कॉन्टेम्पोरे जो और जो सिक्स आदर्श थे सिर्फ उस टाइम पीरियड में, उनका तुलनात्मक अध्ययन और महावीर के क्रियावाद और प्रियोवाद, उनका जो दर्शन है फिलोसॉफी,
उसके ऊपर ही जानना है। थैंक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिस पाली। अब मैं यू। मिस्टर अशोक जी से कहूंगी, अशोक तिवारी जी, आप अपना परिचय दें और आप जैन दर्शन क्यों पढ़ना चाहते हैं। नमस्ते मैडम, सभी उपस्थित आचार्यों को और मेरे सहपाठियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक तिवारी, मैं विद्युत मंडल के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान में डायरेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग में पीएचडी हूँ, लेकिन मेरी रुचि धर्म और दर्शन में बहुत ज़्यादा रही है। पारिवारिक परंपरा से मैंने हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, और वैसे तो सभी तुलनात्मक धर्म दर्शन का मैंने अध्ययन किया है। जैन धर्म में मेरी विशेष रुचि रही है, और इसका कारण यह है कि ये एक ऐसा दर्शन है जो मुझे सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है, जिसमें तर्क बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो मुझे शुरू से जैन धर्म दर्शन में बहुत ज़्यादा रुचि रही है। एक जो समस्या मेरे साथ आती है कि जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, जैसे प्राचीन आचार्यों जो द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, वो मार्केट में उपलब्ध नहीं रहते। मैंने कई जैन विद्वानों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमको बाजार के पुस्तक की दुकानों में जैन धर्म की ओरिजिनल किताबें नहीं मिल पाती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर चूंकि पुस्तकें विनय पूर्वक नहीं रखी जाती है शॉप में, इसलिए वो चीजें आपको उपलब्ध नहीं है। और जैन मंदिर से लगे हुए जो जैन पुस्तकालय रहते हैं, वहां पर जाकर आप इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। विनय पूर्वक आप पुस्तक वहां से लीजिए, उसका अध्ययन करिए और वहां रखिए। तो होता यह है कि हमारे ऑफिस का समय और पुस्तकालय का समय आपस में मैच नहीं कर पाता। तो एक तो ये समस्या मुझे अध्ययन करते समय आई। दूसरा यह है कि मेरे अनेक प्रश्न हैं जो आगे मैं जब लेक्चर होंगे तो मैं करूंगा। स्यादवाद के संबंध में कुछ मेरे प्रश्न हैं, कुछ अनेकांतवाद के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं, कुछ जो हमारे जैन मुनियों की परंपराएं हैं उनके बारे में, जैसे संथारा है या अन्य परंपराएं हैं, उनके बारे में भी मेरे कई प्रश्न हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्रश्नों का समाधान इस कोर्स में मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बीच बीच में आपको अपने प्रश्नों के माध्यम से उपस्थित करूंगा, और इसलिए अपने स्वज्ञान के लिए और अपनी शंकाओं का निराकरण करने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत है। स्वागत है धन्यवाद। आपका, और मुझे पक्का यकीन है कि आप हमारे सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, आपके सारे प्रश्नों का समाधान होगा। चलिए, मैं अब नीरज जी के पास जाती हूँ। नीरज जी, आप बताएं आप अपने बारे में। मैं बेसिकली कोई भी आज तक कोई फॉर्मल तरीके से मैंने कोई फिलोसफी में कोई एजुकेशन नहीं ली, पर मेरा इंटरेस्ट है। मैं जैन शास्त्रों को जितना मैंने संतों और गुरुओं के माध्यम से सुना है और साथ में जो भी अध्ययन किया है, जैसे कि द्रव्य संग्रह, तत्पार सूत्र और इष्टोपदेश आदि, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और यही कारण है कि मैं एक सांगोपांग तरीके से एक वर्ल्ड आई व्यू, ओवरऑल जैनिज्म की कैसे समझें, क्या इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, किस तरह से ये हिस्टोरिकली ऊपर नीचे जाता रहा है, कभी लोगों के बीच में रहा, पब्लिक, जनरल पब्लिक में रहा, फिर बाद में गायब हो गया, फिर वापस आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखें तो काफी प्रचार प्रसार चल रहा है, तो क्या कारण है और क्या बात, कई में कंपैरेटिव स्टडी से हम इसको एक भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन के तौर पे स्थापित किया जा सकता है इसको या नहीं, या इसमें क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, ये सब जानने के लिए मैंने आपकी इस कोर्स को ज्वाइन किया। मैं नीरज जी हूँ, प्रोफेशन से अध्यापक हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं इंदौर एमपी। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस कहीं मत जाइए, और अगले आज ही से हम प्रथम व्याख्यान शुरू करेंगे और आपके सभी शंकाओं का समाधान होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जाती हूँ डॉक्टर संगीता सिंह के पास। डॉक्टर संगीता, क्या आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगी?
आई थिंक अवेलेबल नहीं है। मैं मिस दिव्या से निवेदन करूंगी। हाँ संगीता जी, जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र, सबको जय प्रणाम। जिनेंद्र। सॉरी मैम, वो कनेक्ट नहीं, वो ऑन नहीं हो पा रहा था। मैं अभी अभी कॉलेज से आई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में। बस अभी, बस थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, तो आप कहाँ सॉरी से हैं? कि मैं बनारस से ही हूँ, बनारस में रहती हूँ, लेकिन अभी जॉब लगी है वो भभुआ में। यहाँ से बनारस से 100 किलोमीटर डेली अप डाउन करना, 200 किलोमीटर्स, तो डेली? डेली। तो बस मैं अभी आ ही रही हूँ जस्ट। तो मॉर्निंग में 6:30 जाना और इवनिंग में 6:30 या 7 o'clock हो जाता है आते आते। तो इसके आप पहले जैन धर्म क्यों पढ़ना चाहती हैं? जैन धर्म, उसके दो रीजन है। एक तो मेरी थेसिस जैन धर्म पर है, और दूसरे जो है, मैं पिछले 10-15 साल से लगभग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ते पढ़ाते तो वो जीवन में उतर गया है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन जैन परिवार के हैं, शैलेंद्र भैया हैं, प्रभा किरण दीदी हैं नई दिल्ली से, और बहुत कुछ है। मैं यहाँ बनारस में पार्श्वनाथ शोध संस्थान में शादी के पहले मैं यहाँ आई थी वर्कशॉप करने और रिसर्च के सिलसिले में। तो सबसे पहले तो मैं बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, क्वालिफिकेशन कानपुर से है। मैं नेट PhD थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, और मेरे थेसिस जो है वो 2008 में अवार्ड हो चुकी है। उसके बाद मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जैन धर्म और आप बौद्ध धर्म पर इतनी ही हैं। इतनी मेहनत आप कर रही हैं, मुझे मैं मतलब मुझे पक्का भरोसा है कि आप 6:30 से जो जुड़ेंगी हमारे साथ, आपका 1 भी मिनट बर्बाद नहीं होगा। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो श्रीनेत्र भैया से बात करने पर ही मैंने कहा मुझे किसी भी तरह से करके इनरोल कर दीजिए। और अभी जो जॉब जो है अभी पिछले महीने ही लगी है अभी यहाँ पर, तो इसलिए अभी थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। और मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी पास हुआ ICHR से, वो भी 2 महीने पहले ही पास हुआ है। ट्रांसजेंडर पर मैंने बनाया है काम करने के लिए, यहाँ काशी के ट्रांसजेंडर की हिस्टोरिकल एंड उसका कल्चरल एनालिसिस के संदर्भ में। और अभी मेरे जैन धर्म से रिलेटेड 32 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, और 8 पेपर मेरे बुद्धिज्म से और वैदिक रिलीजन से रिलेटेड हैं, और अभी 8-10 पेपर अंडर पब्लिश हैं जो जैन धर्म से ही रिलेटेड हैं। जैन श्राविकाओं और जैन साध्वियों और जैन, कह लीजिए कि जैन इतिहास, जो नारी है, नारी वर्ग है, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है और करती आ रही हूँ, और बहुत बहुत अभी भी बधाई कर रही आपको, हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, जी और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद धन्यवाद अगला मैं अब धन्यवाद मैम, दिव्या, धन्यवाद। हाँ दिव्या जी आप बताइए अपने बारे में। सबको, मेरा नाम दिव्या महावीर ठाकुर है। मैं यहाँ पुणे में एक कंपनी में काम करती हूँ, और जैन धर्म में मुझे पहले से ही बहुत रस रहा है, इंटरेस्ट रहा है। तो मैं कई बार पाठशालाओं में पढ़ा करती थी जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, बट एक डीप नॉलेज और एक सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है। आशा करती हूँ कि जब वो कोर्स खत्म होगा मैं जर्नलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज लेके बाहर जाऊंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब मैं बुलाती हूँ महाश्वेता यादव को, आप अपने बारे में बताएं। महाश्वेता जी, क्या आप अपने बारे में बता पाएंगी? आगे बढ़ते हैं,
मैं मुकेश जी से निवेदन करती हूँ। मुकेश जी के बारे में वैसे तो डायरेक्टर साहब बता चुके हैं, पर फिर भी मुकेश जी अपने बारे में बताएं। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र। मैं मुकेश मेहता हूं और एज आईएसजे संस्था के सदस्य के रूप में मेरा परिचय तो श्री नेत्र सर ने आपको दे दिया है, लेकिन मैं अपने एक विद्यार्थी के रूप में मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को प्राकृत और जेनोलॉजी का एक विद्यार्थी मानता हूं और बहुत कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। जैन दर्शन धर्म और प्राकृत भाषा से मेरा जो प्रथम जो कनेक्शन हुआ, जो इंटरेक्शन हुआ, वो मेरे थीसिस जब मैं अपना मास्टर बुद्धिस्ट स्टडीज में कंप्लीट करने के बाद बीएसयू में पीएचडी करने के लिए आया, तो वहां पर जो मैंने अपना सब्जेक्ट जो टॉपिक रिसर्च का जो चूज किया वो प्राचीन भारतीय इतिहास और उसकी सब संस्कृति और समाज से रिलेटेड था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए किसी एक ट्रेडिशन, रिलीजन या कल्चर को जान लेना ही काफी नहीं होता है, उसके लिए एक कंपेरेटिव रिलीजन, कंपेरेटिव स्टडी की जरूरत होती है अगर किसी संस्कृति को, समाज को जानना चाहते हैं। और संस्कृति, समाज और इतिहास ही क्यों, दर्शन को भी अगर जानना चाहते हैं, प्राचीन दर्शन को, तो उसके लिए भी एक कंपरेटिव स्टडी की जरूरत होती है। तो इसी उद्देश्य से मैंने जो हमारी प्राचीन संस्कृति है या प्राचीन जो हमारे जो धर्म है, जो कहें जो तीन वैदिक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीन जो संस्कृतियां हैं, ट्रेडिशन है, उनसे रिलेटेड मैंने कुछ कुछ जानना और पढ़ना और समझना शुरू किया, समझने की कोशिश की। हालांकि मेरा मेन जो काम है वो तो बौद्ध धर्म और बौद्ध जो संस्कृति और सभ्यता रही है पाली त्रिपिटक साहित्य में, उससे रिलेटेड है, लेकिन कंपरेटिव स्टडी के लिए कुछ कुछ जानने के लिए दूसरे ट्रेडिशन के बारे में, जो कंटेम्प्ररी ट्रेडिशन थे, उसके लिए मैं प्राकृत भाषा और जैन धर्म की तरफ मैं मेरा रुझान हुआ। और इसी जो है क्रम में सबसे पहले मैंने भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वहां से मैंने एक कोर्स किया, समर प्रोग्राम उनका चलता है, वहां से मेरा इंट्रोडक्शन, अभी अशोक सर का परिचय आपको दिया जा चुका है, वहीं से हमारा परिचय हुआ था। और तब से जो है वो जैन धर्म के बारे में, प्राकृत भाषा को जानने के लिए मेरी रुचि थोड़ी बढ़ती गई। तो यहाँ हालांकि आपको बताया जा चुका है हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से कि मैं यहाँ एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ रिसर्च एसोसिएट अपने आप को कम और एक विद्यार्थी के रूप में ज्यादा मानता हूँ। इस संस्था में मैं कुछ सीखने के लिए आया हुआ हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसीलिए आपके साथ में इस 10 दिन का जो कोर्स है जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत, उसमें जुड़ा हुआ हूँ और आपके साथ रहूंगा, पढ़ूंगा, सीखूंगा, समझूंगा। सभी को बिल्कुल नमस्कार, जय श्री। बिल्कुल मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप उन लोगों ने देखा होगा, महाश्वेता जी ने अपना मैसेज भेजा है कि वो एंशियंट हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं और नेट क्वालिफाइड हैं और टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, और वो जैन धर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, रुचि रखती है, इसलिए वो हमसे जुड़ी है और थोड़ा सा शर्मा रही है। महाश्वेता जी, हम बस इतने ही लोग हैं और हम 10 दिन के एक बहुत सुंदर सफर पर हैं, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं सामने आकर बता सकती हैं, और मैं तो निवेदन करूंगी कि आप जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे व्याख्यानों में उतना आप सीखेंगे, इसलिए शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ में हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक सिंह। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि बस छोटा सा हमको थोड़ा सा आशीर्वाद दे, इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दे, डॉक्टर अशोक सिंह। जय जिनेंद्र।
सबको मेरा नमस्कार। इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने निदेशक डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आईएएस जेएएस के प्रयासों की श्रृंखला में हिंदी कार्यक्रम के रूप में एक नई कड़ी जोड़ी और हमारे सहयोगी के रूप में डॉक्टर प्रज्ञा जैन, डॉक्टर मुकेश मेहता, सुश्री मेघा कड़े और सुशील जी के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम आज वास्तविकता का रूप ले रहा है। आप जानते हैं किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में जो प्रशासकीय या जो व्यवस्था का प्रयास तो है ही है, लेकिन सबसे कठिन जो पक्ष है वह इसकी आपके लिए अकादमी विषय वस्तु देना। तो काफी कई महीने से आईएसजेएस के लोग लगे हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि विभिन्न क्षेत्रों से, न केवल अकादमीय क्षेत्र से, बल्कि कहा जाए कि जो इंजीनियर साहब हैं और ऐसे लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, जो अध्यापक हैं, तो प्रतिभागियों में एक विविधता है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया, इसके लिए आईएसजेएस आपका बहुत आभारी है और हम आशा करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है यह आपके प्रश्नों के माध्यम से एकदम जीवंत स्वरूप प्राप्त करेगा और आप लाभान्वित होंगे और आप इस पूरा प्रयास करेंगे कि आपका अनुभव ऐसा हो कि आप दूसरों को भी यहाँ के पाठ्यक्रमों को ज्वाइन में सम्मिलित होने के लिए उनको प्रेरित करें। और आप देख आपने डॉक्टर सिन्हित जी ने बताया कि जैन दर्शन ही नहीं, भाषा के लिए भी यहाँ एक सुव्यवस्थित प्रयास हो रहा है। और तो आप लोग जिसकी जैसी रुचि हो, जिसका जैसा की अनुकूलता हो, तो वह आप भाग लें। इससे हमें बहुत संतोष होगा कि हमारा जो प्रयास है उससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका इस उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में मैं आप सबके फॉर्मल धन्यवाद के लिए मुकेश जी से निवेदन करूंगी कि आप इस सत्र को समाप्त करें। धन्यवाद प्रज्ञा जी। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, परिचय सत्र था। इस परिचय सत्र में जुड़ने के लिए और हमें प्रेरणादायक अपने विचार देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए सबसे पहले मैं अशोक सिंह सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद हमारे संस्था के जो डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सुमित्र पांडे जी, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और सत्र के संचालन के लिए प्रज्ञा जैन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेघा जी भी हमारी कलीग जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सुशील जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो ये सारे टेक्निकल और सारी चीजें आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप सभी प्रतिभागियों का भी इस इंट्रोडक्टरी सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और
हमारा सत्र ऐसे ही चलते रहेगा 10 दिन तक। आप जुड़ते रहें और जैन धर्म के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करते रहेंगे। सबका धन्यवाद। ये सेशन समाप्त होता है यहाँ पर। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो 7:40 से, यानी कि अब से सिर्फ 13 मिनट में हम मिलेंगे और पहला सत्र शुरू करेंगे। पहला व्याख्यान होगा जैन परंपरा एक परिचय पर। और आप सब तैयार हो जाइए कमर कस के, पेन और पेपर लेकर। और पहले पहला ही लेक्चर हमारा होगा डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे का। बहुत मजा आने वाला है, तो छोटा सा ब्रेक लेकर आ जाइए वापस से। जय जिनेंद्र।